हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव साई इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक फाइबर का ये कूलर आया हुआ है। इसमें वायरिंग के लिए ये आया है और देखिए वायर वगैरह सब ऐसे ही लटकी हुई हैं इसमें, और ना तो इसमें कोई स्विच लगे हुए हैं और ना ही कोई वायरिंग हो रखी है। तो हम आज इसकी वायरिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है इसकी वायरिंग करने का, चलिए करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसमें थोड़े थोड़े और वायर जोड़ लिए हैं, मोटर की वायर में और ये पंप की वायर में। देखिए, ग्रीन और येलो कलर की जो वायर है ये हमने पंप में लगा दी है, और ये फैन मोटर की जो वायर है इसमें हमने एक्सटेंड करके ये रेड कलर की वायर लगा दी है। तो दोस्तों, ये देखिए रेड कलर की वायर हमारी फ़ैन मोटर की है और ये ग्रीन और येलो कलर की हमारी पंप की है। तो ये कनेक्शन चलिए हम बताते हैं आपको कैसे करना है। ये मेन लीड है, मेन लीड की एक तार ले लेनी है और एक फ़ैन मोटर की ले लेनी है, एक उसमें से पंप की वायर लेके इन तीनों को इकट्ठा जॉइंट कर देना है। देखिए दोस्तों, हमने ये जॉइंट कर ली है और यही इस पर हमने अब टेप लगा दी है। तो इसका इतना ही काम था, ये ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास एक ये मेन लीड की वायर बची है और ये पंप की एक वायर बची है और एक ये फ़ैन मोटर की वायर बची है। तो दोस्तों, ये दो हमारे पास स्विच हैं जो हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए, जो आपको ये होल नज़र आ रहे हैं दो, इनमें दोनों में एक एक स्विच लगेगा। और देखिए, चलिए सामने से ये हम स्विच लगा देते हैं, ये दोनों स्विच, और इनके अब हम इनमें स्क्रू लगा देंगे। तो ये दो होल हैं, इनमें जो इसके स्विचों के जो होल हैं उसमें हमने स्क्रू लगा दिए हैं। और बैक साइड में हम चलते हैं तो देखिए, ये पीछे से ये इसके स्विचों के स्क्रू हैं। तो सबसे पहले ये जो छोटी सी एक लूप वायर है, ये दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम लगा देंगे। और एक ये जो हमारे पास मेन लीड की वायर बची हुई है एक, तो ये इनके साथ लगेगी। तो देखिए दोस्तों, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। मैं एक ही हाथ से वीडियो बना रहा हूँ तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा। तो ये हमने कनेक्ट कर दी है, देखिए ये एक मेन लीड की वायर है दोनों तारों में। अब हमारे पास ये दो वायर बची हैं, एक ये ग्रीन वाली है ये पंप की, और ये रेड वाली है ये फ़ैन मोटर की। तो ये जो स्विच के एक एक हमारे टर्मिनल जो बचे हुए हैं, ये रेड वाली वायर पहले स्विच में लगा देंगे ऊपर वाले टर्मिनल में, और ये ग्रीन वाली वायर है ये सेकंड स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में। तो देखा दोस्तों, ये हमने कनेक्ट कर लिए हैं अच्छे से, और इसको अब हम अच्छे तरीके से नीचे से इसके एंगल पर टेप करते हुए अच्छे से फिट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने सारी वायर जो इकट्ठा करके और ये जो फैन मोटर का जो लेग है इसके ऊपर टेप करते हुए हमने अच्छे से सेट कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको चला के देखते हैं। तो ये सीरीज बोर्ड में हमने प्लग लगा लिया और सीरीज का स्विच हमने ऑन कर दिया है, और सबसे पहले हम फ़ैन को ऑन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने फ़ैन ऑन कर लिया है तो बल्ब जल गया है और फ़ैन भी हमारा चलने लग गया है। ये हमने अब सीरीज़ के ज़रिए हमने इसको चलाया है, और हम अब फ़ैन को बंद करने के बाद में पंप को भी आपको चला के दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये तो देखिए पंप भी अच्छे से काम कर रहा है। ये अब हमने डायरेक्ट लाइन दी है, तो अब हम फैन मोटर को ऑन करेंगे डायरेक्ट। तो देखिए दोस्तों, अब ये अच्छे अपनी फुल स्पीड से चल रहा है और पंप भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।